Hello everyone, very very good evening to everyone. Am I audible, guys? Yes, sir, audible. Good evening, sir. Very very good evening. So, any doubt in the previous lecture? Anyone has? किसी को कोई प्रीवियस लेक्चर में डाउट हो तो प्लीज आस्क मी. एंड अपना क्लास जो होगा ना 7:15 इज द टाइम, ऑफिशियल टाइम 7:15 रहेगा, राइट? 7:15 PM, राइट? एनीबडी हैज एनी डाउट इन द प्रीवियस लेक्चर? तो प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, फिर हम उसके आगे हम चलेंगे, राइट? देखो, हमने ये समझा था कि हम एक कंट्री को समझ रहे हैं जिसका नाम है चाइना, ठीक है? इसको एक इंसान की तरह देखो. और हमने ये समझा था कि कंट्री इतना एग्रेसिव क्यों है, व्हाई सो मच एग्रेशन इज इन दिस वन, ठीक है? क्यों ये किसी की बात नहीं मानता, क्यों ये रिवीजन चाहता है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर क्यों रिवीजन चाहता है, रिवीजनिस्ट स्टेट ये क्यों है, करेक्ट है? ये सब चीजें हमने इसके अंदर समझने की कोशिश करी थी. हमने ये भी समझने की कोशिश करा था कि ये इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों नहीं फॉलो करता है, क्यों इसके साथ ऐसा हुआ क्या है. तो इसके अंदर हम अपन क्या कर रहे थे, अपन इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे थे, है ना? बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने पहले पढ़ा मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स, है ना? और आज की जो चीजें चाइना के साथ हो रही है वो कहीं ना कहीं इस मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स से डेराइव हो रही है, राइट? दूसरा हमने बेसिक स्ट्रक्चर बताया सर, पाम एंड डिजिट थ्योरी. पाम एंड डिजिट थ्योरी बताई किसकी, माओ ज़ेडुंग की. वो भी हमने देखा कि कुछ 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 प्रिंसिपल्स पाम एंड डिजिट थ्योरी से भी रिलेट करेंगे हम आने वाले समय में, ठीक है? तीसरी जो थ्योरी थी दैट इज व्हाट योर दिंग जियो पिंग प्रिंसिपल, हमने देखा था 1970s के बाद चाइना ने इसको बहुत ही गहराई से इसको अडॉप्ट करा. बट एक और थ्योरी है दैट इज नोन एज प्रेशर कुकर सिंड्रोम. और प्रेशर कुकर सिंड्रोम के बारे में हमने पढ़ा कि चाइना का रैपिड ग्रोथ हुआ, इतना रैपिड ग्रोथ किसी भी कंट्री का अभी तक नहीं हुआ है इतने कम समय के अंदर. और इस रैपिड ग्रोथ के अंदर कुछ कुछ एरियाज छूट गए हैं, जैसे शिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना वो छूट गया, ठीक है? जैसे तिब्बत वाला एरिया है उसके अंदर दिक्कत आ रही है, राइट? और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे हांगकांग वाला जो आज इशू अपन इसके अंदर समझेंगे, हांगकांग के अंदर क्या इशू है. और फिर इन सब प्रेशर कुकर सिंड्रोम्स जो है इन सबको हम करंट अफेयर से रिलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. कल की जो क्लास होगी वो करंट अफेयर की क्लास होगी, इसमें ये सारी चीजें वापस आएगी, तो आपका एक बार रिविजन हो जाएगा और पूरा का पूरा करंट अफेयर आपका पूरा का रिवाइज यहाँ पर हो जाएगा, राइट? ठीक है, पांचवी जो चीज हमने पढ़ी दैट इज हिस्ट्री ऑफ चाइना. और हिस्ट्री ऑफ चाइना के अंदर हमने दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी सर. एक तो था सर तिब्बत की कहानी, बड़ा मजा आया सर तिब्बत कहानी पढ़ने में. तिब्बत की कहानी जब हमने पढ़ी तो हमने शिमला कॉन्फ्रेंस पढ़ी. और सर तिब्बत की कहानी पढ़ने चले थे हम, और तिब्बत की कहानी पढ़ते पढ़ते हमें बॉर्डर डिस्प्यूट भी समझ में आ गया, बॉर्डर डिस्प्यूट. दूसरा कहानी जो थी ना सर ताइवान की कहानी थी, ताइवान की कहानी. और ताइवान की कहानी से हमको वन चाइना प्रिंसिपल समझ में आ गया. और सर एक बात बताएं, वन चाइना प्रिंसिपल अभी न्यूज में भी है, और आपने हमसे कहा था कि वन चाइना प्रिंसिपल को नेक्स्ट अगली क्लासेस के अंदर हम पढ़ाएंगे करंट अफेयर्स वाला डायमेंशन. हमने पर इसको समझ लिया था पूरा, वो जिन हाई रिवोल्यूशन 1912 में हुआ था, क्यूमिंगतांग गवर्नमेंट बनी थी, फिर क्यूमिंगतांग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में 1927 में रिवोल्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ 1949 के अंदर पीआरसी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और किस तरह से भगा दिया था क्यूमिंगतांग गवर्नमेंट वालों को किस तरफ कि ताइवान के अंदर, और ताइवान क्यों इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए. ये सब चीजें, ये सब डायमेंशन हमने कल के लेक्चर के अंदर देखी थी, ठीक है? मैंने आपको ये भी बताया कि क्योंकि इतना सारा प्रेशर कुकर बन रहा है किसके अंदर, चाइना के अंदर, तो चाइना टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है जिससे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाले घबरा जाए और वो इस तरफ देखने लग जाए, ठीक है? चाइना की तरफ देखना. इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट दिया चाइना ने, साउथ चाइना सी. और 2009 के अंदर उन्होंने बोला अनक्लोज से कि भाई देखो साउथ चाइना सी हमारा है. और साउथ चाइना सी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज बच्चों इसके अंदर बहुत सारे ऑयल हैं, रिसोर्सेज हैं, गैसेस हैं, ठीक है? और सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पास हो रही है, और एक कनेक्टिंग लिंक है पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में. तो किसी को पैसिफिक से इंडियन में आना पड़ेगा तो साउथ चाइना सी से आना पड़ेगा, इंडियन से पैसिफिक ओशन में जाना पड़ेगा साउथ चाइना सी से जाना पड़ेगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह से हम देखते हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, है ना? तो उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया किसने, चाइना ने. और 2014-15 के आसपास उसने बड़ा एग्रेसिव, 2016 के अंदर तो बड़ा एग्रेसिवली उसने सबको साइड करके अपना कब्जा बना लिया. फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का कि फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, ताइवान, राइट, इनका, मलेशिया, इन सब की कंट्रीज का आपने वायलेशन कराया, और बोला कि तुमने तो बहुत बहुत ज्यादा वायलेशन करा है, और तुमने तो जो स्प्रैटली आइलैंड है और पारेसल आइलैंड है उसकी तो पूरी इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया चाइना. चाइना ने कहा बाहर में जाओ, अपन ने समझाया था. चाइना कहता है रिटेलिएट करता है, और चाइना एयर आइडेंटिफिकेशन जोन्स भी बना देगा, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन भी चाइना ने बना देगा. अब इसके बाद हम कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है ना, आफ्टर साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बाद पूरा वर्ल्ड बदला. क्यों बदला?
बिकॉज सबको एक चीज पता चल गई कि यूएसए का इतना औकात नहीं है कि इस वक्त कि वो चाइना के साथ लड़ सके. और जो यूएसए कहता था फिलीपींस को, हे भाई कुछ हो तो मेरे को बता देना तू, ठीक है, ब्रुनेई को, मलेशिया को, वियतनाम को, इन सबको कहता था. तो अब जब उन्होंने बताया तब उनको पता चला कि यूएसए ज्यादा यहां पर इन्वॉल्व हो नहीं पा रहा है. यह अपन ने इसके अंदर पढ़ा था. और इसी के बाद इसी इसी जिल्लत से निकलने के लिए चाइना यूएसए ने यूएसए एशिया पिविट पॉलिसी बनाई. कहां पर? ओबामा के टाइम पर. सॉरी, यूएसए एशिया पिविट पॉलिसी बनाई, ठीक है, और यूएसए एशिया पिविट पॉलिसी ओबामा के टाइम पे, जस्ट ट्रम्प से पहले, राइट. और यूएस एशिया पिविट पॉलिसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी फोर्सेस, मतलब यूएस एशिया पिविट पॉलिसी का मतलब क्या है कि एशिया को अब एशिया के अंदर, एशिया और पैसिफिक के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना सारा एंगेजमेंट करेंगे, वेदर इट इज इकोनॉमिक एंगेजमेंट, वेदर इट इज मिलिट्री एंगेजमेंट, वेदर इट इज कैसा भी एंगेजमेंट हो हम यहाँ पर करेंगे. इसको एशिया पिविट पॉलिसी बोलती है ना. और एशिया पिविट पॉलिसी के पढ़ते वक्त हमने थू साइडेडस ट्रैप भी हमने इसके अंदर समझा. व्हाट इज थू साइडेडस ट्रैप, ये हमने इसके अंदर पढ़ा. तो पिविट इज मीन टू बी स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग ऑफ यूएस इंटरेस्ट फ्रॉम यूरोप एंड मिडिल ईस्ट टुवर्ड्स एशिया एंड पैसिफिक. यूरोप के अंदर जो उसने अपना इंटरेस्ट इतना घुसा रखा है उसको, और मिडिल ईस्ट के अंदर, वहां से निकल के एशिया और पैसिफिक के अंदर आना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज पिविट पॉलिसी. ये उधर से निकलकर इधर आ रहे हैं, ठीक है, और स्पेशली इंडियन ओशन और पैसिफिक के अंदर, जो बीच का इंडो पैसिफिक ओशन है वहां के अंदर ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो इसलिए अंडर दिस पॉलिसी वाशिंगटन डिसाइडेड टू सेटअप अबाउट 70% ऑफ इट्स नेवल फोर्सेस इन एशिया पैसिफिक. तो कहां पर रहेगी? इंडियन ओशन, और इसके अंदर रहेगी, है ना, समझ में आ रहा है. अब बच्चों ये जो होगा ना, जब इंडो पैसिफिक ओशन पढ़ेंगे, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडियन ओशन का लिए इंडिया का पहले कैसा डॉक्ट्रिन था, इंडियाज वर्जन ऑफ मोनरो डॉक्ट्रिन, फिर इंडिया ने चेंज करा बिकॉज ऑफ राइज ऑफ चाइना, यूएसए से बोला कि भाई इधर आओ, ठीक है, वो सब चीजें हम क्या करेंगे, वो सब चीजें आगे चलकर पढ़ेंगे. अभी इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है, और इसके बाद फिर चाइना ने सोचा कि भाई इन लोगों को बहुत सारा, हमको इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों के अगेंस्ट में हम हो गए, ठीक है, हमारे सारे नेबर्स के अगेंस्ट में, ठीक है, अगर हम देखें तो सारे नेबर्स के अगेंस्ट में सारे के सारे लोग जो है, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कुछ बोल तो पा नहीं रहे हमारे खिलाफ, बट है ना, बहुत भरे हुए बैठे हैं. तो इनको लिए हमको कुछ इंसेंटिव देने पड़ेंगे, और इंसेंटिव के फॉर्म में हमने बताया था AIIB, एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, और दूसरा जो है दैट इज व्हाट वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, है ना. दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर एशिया इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और OBOR. तो OBOR क्या है ये अपन इसके अंदर पढ़ते हैं. व्हाट इज OBOR? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दिस वन. वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, है ना, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव 2013 के अंदर चाइना के प्रेसिडेंट, ठीक है, जी जिनपिंग ने एक इसके अंदर ये नाम जो था ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये उन्होंने दिया था, राइट. और इन्होंने कहा था कि एक एंशियंट रोड था, ठीक है, एक एंशियंट रोड था पहले. पहले अगर आपको पता हो, मैंने आपको एनसीईआरटी के अंदर भी पढ़ाया था कि सिल्क जो बनता था ना, ठीक है, सिल्क जो बनता था वो चाइना के अंदर ही बनता था, चाइना को ही बनाना आता था सिल्क. और सिल्क की बनाने की कला चाइना ने 7000 साल तक अपने पास ही रखी, बच्चों एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं. और धीरे 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 उसने बहुत सारे रूट्स बनाए जिससे कि वो वहां तक जा सके, यूरोप तक जा सके सिल्क बेचने. और उन रूट्स को एंशियंट सिल्क रूट्स बोला जाता है, ठीक है, इन रूट्स को एंशियंट सिल्क रूट बोलते हैं. 2000 साल पहले की बात है, हम आपको बता रहे हैं. तो उससे कनेक्टिविटी बनी थी. तो चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं, ठीक है, जी जिनपिंग, उन्होंने कहा कि भाई मैं भी ऐसी कनेक्टिविटी बनाऊंगा वापस से, और जिससे इन छोटे मोटे जो कंट्रीज है जो मेरे से नाराज है ना, उनको बुलाऊंगा, बोलेंगे अरे भाई कुछ कोई बात नहीं, बड़ा भाई हूं तुम्हारा, तुम्हारे लिए काम करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तुम्हारे यहाँ पे कर दूंगा, और बहुत ही कम दामों में पैसा, लोन पैसा दे दूंगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करूंगा, बहुत बड़ा बड़ा शानदार प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तुम्हारी इकोनॉमी तो ऐसी हवा में भाग गई. उनको एक तरह से ट्रस्ट डेवलपमेंट उनके लिए करना. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो यहाँ पर क्या हुआ, वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसके अंदर जो समुन्द्र है उनको भी जोड़ा जाए, जिसको बोलेंगे मैरीटाइम सिल्क रूट, और जिसके अंदर रोड जो है रोड्स को भी जोड़ा जाए, और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक कनेक्टिविटी बनाई जाए. चाइना इस तरह से बोल रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक कनेक्टिविटी बनाई जाए.
और चाइना का ये जो है वन बोल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, ठीक है, इसके बहुत सारे रीजंस थे. वन ऑफ द रीजंस, मैं सारे रीजंस आपको बताऊंगा. वन ऑफ द रीजंस इज व्हाट, वन ऑफ द रीजन इज कि भाई यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करना है इन सब लोगों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हमने साउथ चाइना सी के अंदर बहुत ज्यादा इन लोगों को प्रेस कर दिया है ना, और हमारी इकोनॉमी डेवलपर. तो इस तरह से आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए, एक के बाद एक चीजें लाइन बाय लाइन, है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आना चाहिए. तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो ये कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट दिखेगा. देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे, बीजिंग से कनेक्ट होता हुआ, बीजिंग यहाँ पर कॉरिडोर्स बनाएगा डिफरेंट डिफरेंट. ये रोड वाला कॉरिडोर है, ये समुंदर को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये इस तरह से समुंदर को कनेक्ट कर रहा है. ये मैरीटाइम सिल्क रूट है, ठीक है, मैरीटाइम सिल्क रूट. और ये क्या है, मैरीटाइम सिल्क रूट के बाद ये जो दूसरा है, ये सिल्क इकोनॉमिक रोड बेल्ट, सिल्क इकोनॉमिक रोड बेल्ट, ठीक है, ये रोड ही रोड से चल रहा है. देखिए इस तरह से चाइना कनेक्ट करेगा, और पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें चाइना, तो इस तरह की चाइना क्या करेगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए, जिसके अंदर आप देख रहे हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, अल्बेनिया, सब जगह पर अगर आप देखेंगे, सब जगह पर चाइना कॉरिडोर बना रहा है. हर जगह देखिए चाइना सेंट्रल वेस्ट एशिया कॉरिडोर, इस तरह के कॉरिडोर्स बना, एक मैप बना कर दिया कि भाई हम ऐसा कनेक्टिविटी करना चाहते हैं पाकिस्तान, बहरीन, इन सब के अंदर से, राइट, सब के अंदर से, वियतनाम से लेकर सब, थाईलैंड, इन सबको क्या करा है, इन सबको तो फ्री फ्री के अंदर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बनाने लग गया जाए. और चाइना ने कहा कि पूरे वर्ल्ड को हम क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड को हम कनेक्ट कर लेंगे, और कनेक्ट करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन रहेगा, और ग्लोबलाइजेशन रहेगा तो फिर सबका भला होगा, सबका साथ सबका विकास, इस तरह का कॉन्सेप्ट चाइना लेकर आए कि इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, सारी कंट्रीज के अंदर कनेक्टिविटी होगी तो आराम से ग्रोथ होगी. तो चाइना तो बड़ा सुधर गया है क्या, नहीं सुधरा नहीं, इसके बहुत सारे रीजन है. सबसे पहले आप ये समझ लो, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंदर दो चीजें, एक तो मैरीटाइम सिल्क रोड, ठीक है, जिसके अंदर पानी पानी में से जाएंगे, इंडियन ओशन, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, साउथ ईस्ट एशियन, ठीक है, फिर इसके बाद सिल्क इकोनॉमिक रोड बेल्ट, सेंट्रल एशिया, यूरोप, मेडिटेरेनियन कंट्रीज, ठीक है, चाइना, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, ये सब कनेक्ट होंगे. और इस तरह से आपको मैंने बताया कि किस किस कंट्री से किस तरह से करेगा, ये सब याद करने की चीज नहीं, बस एक आइडिया देने के लिए किस तरह से इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनेंगे. और इस तरह के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनेंगे तो आप देखेंगे इस तरह की चीजें यहाँ पर आएगी, कुछ यहाँ पर आपको इस तरह से इसके अंदर समझ में आना चाहिए, ठीक है. तो आप देखिए BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर दो चीजें, एक पहला है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जिसके अंदर चाइना विद साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, रशिया, यूरोप बाय लैंड, लैंड से कनेक्ट हो रहा है. 21st सेंचुरी मैरिटाइम सिल्क रोड, मैरिटाइम सिल्क रोड का मतलब क्या है, मैरिटाइम सिल्क रोड का मतलब रोड से नहीं जा रहे, यहाँ पर अपन ओशंस कनेक्ट कर रहे हैं. चाइना कोस्टल रीजंस विद साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ एशिया पैसिफिक, ठीक है, यहाँ पर रोड की तरफ, उसकी तरफ मैरिटाइम मतलब कि समुद्र की तरफ जा रहे हैं, और इस तरह का एक इनिशिएटिव यहाँ पर चलेगा. समझ आ रहा है, अब यहाँ पर है ना, इस इनिशिएटिव के अंदर एक सीपैक कॉरिडोर भी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो अपन आगे चलकर पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे सब कुछ, आगे चलकर जब पाकिस्तान पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो देखिए, नेम वाज कॉइन इन 2013 बाय द चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, हु ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सिल्क रोड, है ना, एंशियंट सिल्क रूट जो था, एंशियंट सिल्क रोड था, एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द हान डायनेस्टी 2000 ईयर अगो, एन एंशियंट नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स, इसके अंदर ये सब चीजें कनेक्ट थी, और उन्होंने इस तरह से इसके अंदर बोला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इसको बोला जाता है, इस तरह से इसके अंदर हुआ. Anybody has any doubt in this one? ये हो गया आपका One Belt One Road Initiative. अब हम ये समझते हैं कि साहब इसके अंदर चाइना ने ऐसा करा क्यों? हाँ, चाइना ने ऐसा करा क्यों? One reason तो हमको पता है सर, आपने बता दिया एक reason, तो पहला reason हमें पता है सर इसका, क्या है पहला reason? सर confidence building measures, ठीक है, जो चाइना इतना डरा दिया सबको, तो उनको वापस से उनका क्या करा है, उनको पुचकार रहा है चाहे. और क्या क्या रीजन थे इसके, ये अपन समझते हैं. देखिए चाइना अगर आप देखेंगे ना, क्योंकि चाइना के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज गति से क्यों हुआ, बिकॉज चाइना के अंदर बहुत सारा लेबर है ना, वो चीप लेबर है, चीप लेबर है, तो असेंबलिंग चीप लेबर के अंदर से आराम से करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा आराम से, ठीक है, स्किल्ड भी है, और इसके अंदर टेक्नोलॉजी वाइज भी डेवलपमेंट हो चुका है चाइना के अंदर, ठीक है. और चाइना के अंदर प्रोडक्शन बहुत सारा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी हो रही है, प्रोडक्शन बहुत सारा हो रहा है ना, बहुत बड़ा कंट्री भी है, इसके अंदर लोग भी है बहुत सारे, पॉपुलस कंट्री भी है, उसके अंदर प्रोडक्शन भी बहुत सारा हो रहा है. अब चाइना की इकोनॉमी, बट चाइना की इकोनॉमी है ना स्टेगनेंट रह गई थी, स्टेगनेंट स्लो डाउन आया चाइना की इकोनॉमी के अंदर, ठीक है. अगर आप देखेंगे कि 2016-17 के आसपास चाइना की जो जीडीपी थी वो 25 साल में सबसे कम थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
चाइना ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई अब कितना इतना प्रोडक्शन तो इतना हो रहा है उसका, ठीक है, पर बिक ये रहा है कुछ ही बिक रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है भाई। कनेक्टिविटी है यहाँ पर, है ही नहीं रोड, इसी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कैसे जाए यहाँ तक, कनेक्टिविटी नहीं है सर। तो चाइना ने सोचा कि अगर कनेक्टिविटी बढ़ती है, अगर पूरे वर्ल्ड कनेक्ट हो जाता है तो मेरा ही फायदा है, सारे कॉरिडोर्स मैं बनाऊं, ठीक है, और फिर मेरा ही फायदा है कि मैं वहां से क्या करूं, मैं वहां से अपना सामान भेजूं, क्योंकि सब लोगों को मेरा यहाँ पे प्रोडक्शन तो बहुत हो रहा है, चीप लेबर भी है, सबसे सस्ता सामान जो होगा वो चाइना के अंदर ही मिलता है, और चाइना का सामान सब खरीदेंगे, सब खरीदेंगे तो मेरी इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी। तो वन ऑफ द रीजन ऑफ ओबीओआर, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इज दिस वन, कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ा स्टेगनेंट हो गया था, और 25 साल के अंदर, 2016-17 के अंदर 25 साल में सबसे कम जीडीपी निकली थी चाइना की। तो चाइना ने सोचा भाई ऐसा तो काम नहीं चलेगा, हमें कोई नया मॉडल ढूंढना पड़ेगा, और नया मॉडल कैसे ढूंढा, तो चाइना ने बोला नया मॉडल ऐसे ढूंढते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर देते हैं, जहां जहां पर जहां नया पहुंचे रवि वहां पर पहुंच जाएगा चाइना, ठीक है, सूरज भी जहां नहीं पहुंचता वहां पर चाइना पहुंचकर क्या कर देगा, वहां पर अपना प्रोडक्ट बेच के आ जाएगा। प्रोडक्ट तो बन रहा है, प्रोडक्ट बेच कर आना है, तो मार्केट अगर कनेक्टिविटी होगी तो हमारा प्रोडक्ट बेच जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए व्हाई चाइना टुक इनिशिएटिव ऑफ ओबीओआर, तो हम देखेंगे सबसे पहले स्लो डाउन इन द चाइनीज इकोनॉमी इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाइनीज जीडीपी इन 2016-17 वाज लोवेस्ट इन 25 इयर्स, 25 साल में बहुत कम थी। सो चाइना नीडेड अ न्यू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट टू कीप इट्स इकोनॉमिक रनिंग, इसलिए हमें क्या चाहिए, एक नया मॉडल चाहिए। आफ्टर द डिस्प्यूट ऑफ साउथ चाइना सी, ओबीओआर इज ए पॉलिसी ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, आल्सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी करे इसके अमंग इट्स नेबर बाय द चाइना, ठीक है। इसी के साथ आपने देखा था कि जब ट्रंप आए थे, ठीक है, ट्रंप आए थे ना, तो ट्रंप ने एक, अगर आपने सुना हो उस वक्त, अगर आप थोड़े बहुत भी न्यूज़पेपर देखते हो, तो ट्रंप जो थे ना वो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी लेकर आए थे, अमेरिकन फर्स्ट। इसके अंदर है ना, ये क्या कर रहे थे, रोल बैक कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि ट्रंप जो रोल बैक कर रहे थे उसका मतलब क्या है, और प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज जनरेट कर रहे थे, कि ट्रंप आए और ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जो होगा ना उसके बारे में मैं सोचूंगा। तो बहुत सारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे थे, बहुत सारी, अगर हम देखेंगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी पार्टिसिपेट करता था, जैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर, ठीक है, जैसे कि हम बात करें WHO के अंदर, WTO के अंदर, राइट, इन सब के अंदर से फंडिंग कम करने लग गए, कौन, ट्रंप। ट्रंप ने बोला हम इनमें पैसा क्यों वेस्ट करें जबरदस्ती, बहुत सेल्फ इंटरेस्ट में खेलने लग गए, साफ साफ, मतलब उनकी पॉलिसी अमेरिकन फर्स्ट, ठीक है। और उन्होंने बोला कि हम क्यों ग्लोबलाइजेशन को, हम क्यों प्रमोट करें इतना सारा ग्लोबलाइजेशन, और इसके अंदर क्यों जबरदस्ती हम या इधर उधर क्यों पैसा खर्च करें अपना, हम अपना इसके अंदर अपने अमेरिका को डेवलप करेंगे इस पैसे के अंदर। और इसे बोला जाता है प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी, प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी टेंडेंसी, ठीक है। एक तो टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, उससे भी बाहर आ गया, और इन्होंने बोला कि हम क्या है, प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी करेंगे, मतलब वर्ल्ड के अंदर जो फैला हुआ था अमेरिका, है ना, जब अमेरिका पढ़ेंगे तब डिटेल पढ़ेंगे, अभी जान के लिए सुन लो, वर्ल्ड के अंदर जो फैला हुआ था अमेरिका, तो ट्रंप पॉलिसी जो होगा, ट्रंप फॉलन पॉलिसी ये होगी कि भाई हमें क्या करना है, हमें अमेरिकन फर्स्ट करना है, हमें ग्लोबलाइजेशन पे ज्यादा भरोसा नहीं करना है, हमें प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज अपनानी है, मतलब हमें अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है। और उसका जो पूरे वर्ल्ड के अंदर वो फैला हुआ था, ठीक है, अमेरिका पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है, वो रोल, जैसे मान लीजिए इतना फैला हुआ है अमेरिका पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो वो रोल बैक करने लगा, मतलब पीछे कदम डालने लगा। अब पीछे कदम डालेगा तो ये जगह जो होगी वो खाली होगी, वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, और चाइना सोचेगा भाई इस वैक्यूम को मैं भरता हूं, ये पीछे जा रहा है मैं आगे, और मैं कैसे करूंगा, जब वहां पर कनेक्टिविटी मेरे अंदर होगा, कि मिडिल ईस्ट से निकल रहा है तो मिडिल ईस्ट के अंदर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कि चाइना कहेगा कि जो ये यूएसए दे रहा था उनको वो मैं दे दूंगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी बढ़ी, उसी वक्त ओबीओआर जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा गति में हो गया, गति में हो गया, तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब वो जो प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी का फायदा उठाना चाहता था, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहता था, कौन, चाइना। इसलिए ओबीओआर जिससे जल्दी जल्दी कनेक्ट हो, और जल्दी जल्दी कनेक्ट होगा तो वो जल्दी जल्दी अपना सामान ऑफर करेगा, अमेरिका खाली करता जा रहा है वो भरता जा रहा है। तो ये भी एक रीजन है, ये ऐसे रीजन, अ शिफ्ट इन यूएस पॉलिसी आफ्टर ट्रंप गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ट्रंप गवर्नमेंट के बाद यूएस की पॉलिसी शिफ्ट हुई, राइज ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी इन वेस्ट हैज रिजल्टेड इन श्रिंकिंग मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट। अब
ये तो पीछे छट गया यूएस से, तो अब अगला कौन होगा, कौन आएगा यहाँ पर इसकी जगह को जो खाली हो चुकी है उसको भरने के लिए? तो यहाँ पर जो जगह को खाली भरने के लिए आएगा, दैट इज वॉर दैट इज OBOR ट्राई टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, चाइना, है ना। एक OBOR बनने के क्या क्या रीजन है ये मैं आपको समझ रहा हूँ, ठीक है? इज दिस क्लियर? कालिंद क्लियर है? कालिंद वैशाली, ये ऐसे क्लियर ओके। अमन कुमार, कार्तिकेय, है। यस यस कोई भी डाउट हो ना बच्चों पूछ लो, तब की तब कोई दिक्कत नहीं, अपन को डाउट क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत रिक्वायर्ड है ना। और ये तो कभी मत सोचना कि सर पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, डाउट पूछ लूंगा तो सब वही डाउट सबके दिमाग में आ रहा है, ऐसा सोच लिया करो, ठीक है? और ऐसा कुछ भी नहीं है, डेमोक्रेटिक क्लास है, कितनी भी बार डाउट पूछो भाई, तुम बच्चों के लिए तो क्लास स्टार्ट करिए, तुम ही डाउट नहीं पूछोगे तो कैसे होगा? वैसे डाउट आएगा नहीं, ये भी मेरे थोड़ा बहुत रहता है कि क्योंकि बेसिक से चल रहे हैं तो डाउट आना मुश्किल रहता है। तो ये देखिए, चाइना सफरिंग फ्रॉम द इंटरनल अनरेस्ट, प्रेशर कुकर सिंड्रोम। सो इन ऑर्डर टू डेवलप इट्स अनडेवलप्ड प्रोविंस, OBOR विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है? कि जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, शिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, शिनजियांग। अब इसके अंदर मारामारी चल रही है, ठीक है? आपको पता है उगर मुस्लिम वाला जो इशू चल रहा है वो अपन डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कल की क्लास के अंदर, जहाँ मारामारी चल रही है। ये डेवलप भी नहीं है इतना ज्यादा, तो इसको डेवलप करना है। क्यों क्यों डेवलप नहीं है? क्योंकि क्लोज्ड है भाई, बहुत ज्यादा क्लोज्ड है, ठीक है? अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ज्यादा क्लोज्ड है, यहाँ पर भी सब जगह से क्लोज्ड है, बहुत ज्यादा क्या पूरा ही क्लोज्ड है। इसको अगर कोई पोर्ट का एक्सेस मिल जाए ना, है ना, जैसे मान लीजिए इसके चारों तरफ लैंड ही लैंड, लैंड ही लैंड, लैंड बेचारा कहाँ से डेवलप, इसको कहीं पोर्ट का एक्सेस मिल जाए तो मजा आना है। तो क्या करता है चाइना, यहाँ से निकालता है एक कॉरिडोर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से, हमारे कश्मीर में से, ठीक है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से यहां से लेकर जो निकालता है ग्वादर पोर्ट तक कनेक्ट कर देता है, ग्वादर पोर्ट। अब पोर्ट से कनेक्ट हो गया तो इसके मजे हो जाएंगे, जिनजियांग के धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा तो अनरेस्ट खत्म हो जाएगा, कुछ तो खत्म हो गई। तो इंटरनल अनरेस्ट है, बहुत सारे हिंटरलैंड एरियाज है, उसको कनेक्ट कर दे, पोर्ट से कनेक्ट करवा दे, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा, यहां पर उसका भला हो जाएगा, राइट? तो ये सारे रीजन होगा। सो इन ऑर्डर टू डेवलप इट्स अंडर डेवलप प्रोविंस, OBOR विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है? तो CPEC कॉरिडोर जो मैंने अभी आपको बताया वो डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है? आगे चलकर जब पाकिस्तान बन बढ़ाएंगे, तो ये है भैया राइज ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज, ठीक है? और इंटरनल अनरेस्ट जिससे कि अनडेवलप्ड एरियाज जो है उसको डेवलप करें, प्लस स्लो डाउन इन द चाइनीज इकोनॉमी, प्लस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, प्लस ट्रंप की जो पॉलिसीज थी उसके अंदर अपॉर्चुनिटी जो मिली उसको ग्रैब करने के लिए यहाँ पर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव यहाँ पर स्टार्ट किया गया। एनी डाउट यू कैन आस्क। तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव आ जाएगा तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दिमाग में एक बार क्लियरिटी होगी ना तो कॉपी में वो पॉइंट आ जाएंगे। अभी अपन आंसर राइटिंग में देखें। अच्छा, आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा एक बात बता दूं, क्योंकि ये कोई इंटरनेशनल रिलेशन का थोड़ा सा सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है, ठीक है? कैसा है सर नेचर? नेचर ऐसा है कि जब तक सफिशियंट नंबर ऑफ क्लासेस नहीं हो जाती ना तब तक मैं तुमको आंसर राइटिंग करा ही नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी कनेक्टिविटी है, मैं हर चीज में तुमको बोल रहा हूँ कि आगे चलकर अपन पढ़ेंगे, तो थोड़ी क्लासेस हो जाने दो, 10 to 15 क्लासेस के बाद फिर अपन आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करेंगे। अभी सिर्फ नॉलेज गेन करते जाओ, नॉलेज गेन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, फिर जैसे ये 10 to 15 क्लासेस हो जाएंगी फिर अपन क्या कर लेंगे, फिर अपन आंसर राइटिंग के ऊपर पूरा का पूरा फोकस आंसर राइटिंग दे देंगे। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा बच्चों, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी पार्ट कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, एक एक आंसर को मैं तुमको लिख कर बताऊंगा कि इसको ऐसे ऐसे लिखना चाहिए था। बड़े बड़े नोट्स डलेंगे तुम्हारी कॉपी के अंदर जिससे कि तुमको समझ में आएगा कि क्या है। अक्टूबर के महीने में पूरे फ्री हैं वैसे भी, तो यही काम करना है, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। फिर प्रीलिम्स का बैच आएगा तो उसके अंदर अपन और अच्छे से, प्रीलिम्स के अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला बैच है तो वो उसके अंदर, उससे पहले पूरे फ्री हैं, तो ये आंसर राइटिंग इसमें इतना स्ट्रेंथन कर देंगे तुम्हें कि आंसर लिखने में जो तुम्हारे पेन घबराते हैं ना, जो हाथ घबराते हैं, ठीक है, आंसर लिखने में वो सब आराम से लिख पाओगे, ठीक है? अब हम यहां तक पढ़ लिए हैं, अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट 1962 का वार, इंडिया और चाइना का वार, ठीक है? एक ऐसा वार जिसका किसी ने प्रेडिक्ट नहीं करा था, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू ने तो बिल्कुल नहीं करा था, वार जब हो रहा था तो जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे अरे छोटी मोटी लड़ाई और इधर उधर घूम रहे, राइट? और इनको कभी नहीं लगता था कि भाई चाइना इस तरह से धोखा देगा। और ऐसा कहा जाता है कि 1964 के अंदर जो हार्ट अटैक आया था, ठीक है, किसको, अब जो 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 भी मतलब जिसके जिस भी चीज के कारण उनका डेथ हुआ था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था,
वो बिल्कुल मायूस से हो गए थे जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक करा। तो क्या हुआ ये, क्या किस लिए हुआ अटैक, ये सब कुछ इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है। फैक्ट्स के साथ देखिए, यहाँ पर आप ये एरिया देख रहे हैं कि यह है अक्साई चीन, ठीक है, ये अक्साई चीन वाला एरिया है, ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ अक्साई चीन, ठीक है। अब ये जो एरिया है ना, दैट इज वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया, ये वाला जो एरिया है दैट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया। अब इसमें कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया क्यों है ये जाएंगे हम, तो ब्रिटेन के टाइम पे, ओ सॉरी, ब्रिटिशर्स के उधर जाएंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स है ना, बहुत सही चीज करके गए अपनी तरफ से, मतलब उनके लिए उन्होंने क्या करा है, हर जगह बाउंड्री डिस्प्यूट क्रिएट करके गए। जैसे मैक बाहुन वाला मैंने तुमको समझाया था, है ना, अब ये देखना, ये वाला मैं तुमको समझाऊंगा। हर जगह कहीं ना कहीं बाउंड्री डिस्प्यूट ये क्रिएट करके गए। कौन कौन क्रिएट करके गए? ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना है कि ब्रिटिशर्स जब ये छोड़ के गए ना, हमको आजादी देके तो गए, पर आजादी देने के बाद के आजादी देने के साथ साथ इन्होंने हमारे साथ क्या करा, बहुत सारा खिलवाड़ भी कर गए कि हम तुमको आजादी तो दे रहे पर अब तुम लोग आपस में लड़ते रहो, हे एशिया वालों, हे अफ्रीका वालों, तुम लोग आपस में लड़ते रहो, ऐसा इंतजाम हम कर जाएंगे। और ऐसा इंतजाम ये कर गए और आज तक आप देखिए हम लोग लड़ी रहे, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, ये होता रहता है। और एक बार सोच कर देखो, सिर्फ एक बार दिमाग के अंदर डाल कर देखो, वैसे तो डिटेल में बताएंगे जब सार्क पढ़ाएंगे, एक बार दिमाग के अंदर डाल के देखो कि अगर चाइना इंडिया ये दोनों मिल जाए ना, चाइना इंडिया और पाकिस्तान, तो ये ना, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं छोटी मोटी, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब तो बिल्कुल पानी मांगने लग जाए। अगर ये तीनों कंट्रीज मिल जाए और आपस में मिलकर काम करें, पूरा एशिया सुधर जाए और एशिया एक बहुत बड़ी पावर बनकर उभरे। अब ये लोग है ना, ब्रिटिश वाले, जो ब्रिटेन वाले थे ना, यूरोप वाले, ये लोग पहले ही जानते थे कि भाई ये रेड रेस है, ये जो चाइना है वो रेड रेस है। रेड रेस मतलब कि ये तो अपने पे आ गए ना तो सबको ले डूबेगी, मतलब पूरा डेवलपमेंट कर देगी। इंडियंस है वो बहुत ही कर्मठ है, वो तो हम अपने दिमाग चला के इनको कंट्रोल कर रखें, नहीं तो ये लोग जब अपने पे आते हैं तब तो ये तो कुछ भी कर लें। तो हम इनको छोड़ के तो जा रहे हैं, पर 100 साल बाद सोचो, 100 साल बाद तो ये पूरा कब्जा लेंगे हमको। तो एक काम करते हैं, इसको आपस में लड़ा देते हैं, आपस में लड़ते रहो, इंडिया चाइना लड़ो आराम से, लड़ते रहो, हम यूरोप डेवलप करते रहेगा, तुम आपस में लड़ते रहो, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर लड़ाई चलती रहेगी, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के अंदर लड़ाई चलती रहेगी, और कभी भी एशिया जो है कनेक्टिविटी कर ही नहीं पाएगा, पाकिस्तान पे आके गेट बंद हो जाएंगे, कि नीचे से चले बांग्लादेश से, बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आए, इंडिया नेपाल भूटान को ले लिए, नेपाल भूटान को लेकर पाकिस्तान पे आए तो पाकिस्तान ने मना कर दिया कि साहब मैं तो गेट ही नहीं खोलूं अपने, कहां जाओगे सेंट्रल एशिया की तरफ। तो ऐसा ये प्लान करके इस तरह से करा गया ऐसा लगता है, क्योंकि हर जगह जहां पर भी ये कॉलोनी थी ना वहां पर डिस्प्यूटेड चीजें छोड़ गए। अब यहां पर देखो कैसा मस्त तरीके से डिस्प्यूट बनाया इन्होंने, देखो इन्होंने क्या करा, यहां पर दो लाइनें दी, ठीक है, टू लाइंस दी, जब ये चाइना के साथ हो रहा था तो दो लाइंस इन्होंने यहां पर दी, एक दी मैकडोनाल्ड लाइन और एक दी जॉनसन लाइन, ठीक है, 1962 वार के बेसिक हम आपको बता रहे हैं पहले, राइट, फिर हम समझते हैं किस किस तरह से हुआ वो तो अपन समझ जाएंगे। तो हम देखें मैकडोनाल्ड लाइन और जॉनसन लाइन तो ये इस तरह से बनाकर गए कि भाई ये जो जॉनसन लाइन है ना वो ये वाली है, ये ना ये वाली लाइन जो है वो जॉनसन लाइन है, दिस इज नोन एज जॉनसन लाइन, ठीक है। और मैकडोनाल्ड लाइन जो है वो ये वाली है, ये मैकडोनाल्ड लाइन है, ग्रीन वाली जो दिख रही है, दिस इज मैकडोनाल्ड लाइन, ठीक, ये बना के चले गए। अब इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है कि भाई हमारी जॉनसन लाइन को हम मानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं जॉनसन लाइन को, और चाइना कहते हैं नहीं नहीं हम मैकडोनाल्ड लाइन को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अगर चाइना मैकडोनाल्ड लाइन को रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब चाइना, ये वाला एरिया चाइना का और ये वाला इंडिया का, अक्साई चीन चाइना के अंदर चला गया, और अगर इंडिया जॉनसन लाइन को रिकॉग्नाइज करेगा तो अक्साई चीन जो होगा वो इंडिया के अंदर आ जाएगा। तो इंडिया तो अड़ा है कि भाई मैं तो जॉनसन लाइन मान रहा हूं, और चाइना बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं तो मैकडोनाल्ड लाइन मान रहा हूं, और इस पे ये डिस्प्यूट है। जब हम आजाद हुए 1947 में हमको आजादी मिली, 1949 में चाइना को आजादी मिली सिविल वार से, फिर जो गवर्नमेंट बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो गवर्नमेंट बनी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, वो जो गवर्नमेंट बनी उसके बाद से ये डिस्प्यूट हमारे अंदर है, 1947 से ही ये डिस्प्यूट हमारे पास है कि चाइना कहता है ये अक्साई चीन हमारा है, हम कहते हैं कि नहीं नहीं भैया अक्साई चीन को हमारा है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है।
तो ये एक डिस्प्यूटेड है, अरुणाचल प्रदेश का क्या डिस्प्यूट है ये मैंने आपको समझा दिया था कल के लेक्चर के अंदर, ये वाला डिस्प्यूट मैंने आपको यहां पर समझा दिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर थे मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, और यहां पर जो थे माओजेदोंग थे, माओजेदोंग, और भारत जो थी है ना कांग्रेस, स्पेशली कांग्रेस, कांग्रेस वॉज हैविंग ए सिंपैथेटिक एलिमेंट विद द चाइना, क्योंकि चाइना के साथ अगर आप हिस्ट्री में रहेंगे चाइना के साथ बहुत बुरा बुरा हुआ है, तो कांग्रेस ने हमेशा उसका सपोर्ट करा था। तो जवाहरलाल नेहरू इज हैविंग ए सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स द चाइना, और चाइना इज ऑल्सो हैविंग ए सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स द इंडिया, और जवाहरलाल नेहरू और माओ ज़ेडोंग की मैंने आपको बताया था अच्छी जोड़ी बनेगी 1949 के अंदर, इन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी पाम एंड डेजर्ट थ्योरी, उसके बावजूद भी एक अच्छा रिलेशनशिप जवाहरलाल नेहरू और माओ ज़ेडोंग के अंदर बनेगा। और 1954 के अंदर जवाहरलाल नेहरू एक बात कहेंगे किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, पार्लियामेंट में, कि अक्साई चीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, क्या कहा, अक्साई चीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे अभी अमित शाह ने कहा ना जब 370 आर्टिकल गया था कि जब मैं कश्मीर बोल रहा हूं तो उसके अंदर अक्साई चीन भी आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी आ रहा है, तो वैसा अक्साई चीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने 1954 के अंदर कहा। बट चाइना की तरफ से कोई ऐसा रिटेलिएशन वाला रिएक्शन नहीं आया कि ऐसे किसको दिया ये सब चीज, इस तरह का कुछ नहीं है। तो एक तरह से ऐसा देखा गया कि भाई चाइना और इंडिया के बीच में काफी अच्छा रिलेशन है, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ये बड़ा भाई है छोटा भाई है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग है। और सारा वर्ल्ड जो था ना इससे चिढ़ रहा था कि यार ये कैसा अंडरस्टैंडिंग यार, इतना मतलब इतना मस्त अंडरस्टैंडिंग कैसे हो गया, ठीक है। अच्छा, अक्साई चीन वाला एरिया अगर आप देखेंगे, ये वाला अक्साई चीन वाला एरिया है, ये अनइनहेबिटेड एरिया है, मतलब यहां पर कोई रहता नहीं है, डेजर्ट है, एक तरह से डेजर्ट एरिया है, ये समझ लो, यहाँ पे कोई रहने वहना वाला नहीं है कि रह रहे भाई साहब आराम से घर वर बना के, नहीं, यहाँ पे ट्रूप्स भी थोड़े बहुत ट्रूप्स ऐसे घूमते रहते थे, ठीक है, हमारे क्या, ठीक है चलो यार कुछ होगा तो है नहीं, इधर जाके एक बार देख आते ऐसे, ठीक है। इसी तरह से 1959 के अंदर अगेन जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि एक्साइज चीन हमारा पार्ट है, पर तब तक चीजें बदल गई थी, क्या हो गया था मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक दिन क्या होता है 1957 की बात है, 1957-58 है ना, 56-57-58 इसके अंदर कोई बात है कि हमारे ट्रूप्स ऐसे घूमते हुए जा रहे थे, इस तरह से ऐसे जा रहे थे ट्रूप्स, और फिर हम देखेंगे अरे यार यहाँ पे तो रोड बना दिया है, अब तो रोड बन गया, जाएंगे जवाहरलाल नेहरू को बुलाएंगे साहब वहां तो रोड बन गया है। और ये चीज जब मीडिया के अंदर आएगी ना कि भाई चाइना ने अक्साई चीन के अंदर रोड बना दिया, और जवाहरलाल नेहरू जिसको बोल रहे थे कि भाई इंटीग्रल पार्ट है ये सब चीजें इस तरह से बोलने लग गए जवाहरलाल नेहरू, और इस तरह से जैसे रोड बन गया तो फिर एक हाईवे बन गया ना Z219 हाईवे, ठीक है ना, तो यहां पर दिक्कत हो गई, अपोजिशन बिल्कुल खा गया, अपोजिशन जो होगा न्यूज़पेपर होगा पूरा का पूरा वर्ल्ड मीडिया आ जाएगा आग लगाने कि इनकी दोस्ती देखी नहीं जा रही पहले भी आग लगाने आ रहा है, और यहां पर ऐसे बोलेगा कि भैया ये कहां से बन गया रोड, क्या हो गया जवाहरलाल नेहरू हेलो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, अब बता दो भाई हमको तो कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे न्यूज चैनल वाले पूछते थे उनसे, हमको तो कंफ्यूजन हो रहा है भाई तेरा इंटीग्रल पार्ट है कि तेरा इंटीग्रल पार्ट है, रोड बना दिया। और अपोजिशन ने बोला कि जवाहरलाल नेहरू ने भेज दिया, डेमोक्रेसी के अंदर तो ये होता है, अपोजिशन ने बोला कि जवाहरलाल नेहरू ने चाइना हिंदी चीनी बाय बाय हिंदी चीनी बाय बाय करके और पूरा का पूरा हमारा भारत का टुकड़ा भेज दिया। जवाहरलाल नेहरू वॉज वेरी वेरी एंग्री एट दैट टाइम, और उन्होंने बोला कि हम कुछ भी थोड़ा सा भी एरिया इसके अंदर नहीं देंगे, ठीक है, हम कुछ भी इसके अंदर देंगे नहीं आपको अक्साई चीन के अंदर से, और ये सब चीजें इलीगल बनाया गया इस तरह से इसके अंदर बोला गया, राइट। अब ये 1959 के आसपास बहुत ज्यादा तल्ख रिलेशन हमारे हो गए। अब एक और काम हो गया, क्या काम हो गया, याद करो उस तिब्बत को, तिब्बत के अंदर अपन ने क्या कहा था, तिब्बत वॉज शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर तिब्बत वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, आउटर तिब्बत, ठीक है, तिब्बत वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, है ना, दूसरी कहानी सुना रहे, एक आउटर तिब्बत और इनर तिब्बत, और आउटर तिब्बत के अंदर लाहशा नाम की एक जगह, ठीक है, और वहां पर पूरा का पूरा ऑटोनॉमी दे रखा है, ठीक है, उसको अंदर ऑटोनॉमी दे रखा है। अब 1950s के अंदर ही ये ऑटोनॉमी जो थी ना इसको छीनने की कोशिश करने लग गया था कौन, चाइना।
चाइना ने 1950s के अंदर ही ऑटोनॉमी छीनने की कोशिश करी थी, 1949 में आजादी, बोला कि अब किसी का डर नहीं, चलो ऑटोनॉमी छीनो, और भारत से बात भी नहीं करा। पर भारत ने बाद में, भारत को बुरा लगा जवाहरलाल नेहरू ने, बोला भाई हमसे पूछ तो लेते, हमारे यहाँ पर बॉर्डर शेयर हो रहा है इसका, पर उससे बात भी नहीं करी भारत से और ऑटोनॉमी छीनने की बात करने लग गए। और फिर हमने 1954 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया हाँ तुम्हारा इंटीग्रल पार्ट है, कोई बात नहीं करो जो कर लो। पर यहाँ पर एक चीज होगा, यहाँ पर एक दलाई लामा नाम से एक पर्सन थे, ठीक है, रिलीजियस गुरु, ठीक है, जो यहाँ की गवर्नमेंट थी वो बहुत रिलीजियस गवर्नमेंट थी, सेकुलर नहीं थी, ठीक। तो दलाई लामा जो थे ना, उन्होंने रिवोल्ट करा और इनके रिवोल्ट को सप्रेस करा गया 1959 के अंदर। और 1959 के अंदर जवाहरलाल, जब ये दलाई लामा के रिवोल्ट को सप्रेस करा गया, तो दलाई लामा जो होंगे वो क्या करेंगे, इंडिया से शरण मांगेंगे, शरण। और उस वक्त तक इंडिया और चाइना का थोड़ा रिलेशन तल्ख हो गया था, समझ में आ रहा है, क्योंकि रोड वोड बन गया और इस तरह से ये हो रहा, समझो, कहानी समझते जाओ, फैक्ट फैक्ट समझोगे, सब समझ में आ रहा है। हमने कहा कि ठीक है, हम दलाई लामा को क्या कर देंगे, शरण दे देंगे। अब दलाई लामा वाज द दुश्मन नंबर वन ऑफ चाइना, चाइना के दुश्मन नंबर वन को हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक धर्मशाला नाम की जगह, वहां पर हमने क्या कर दिया, हमने वहां पर जगह दे दी कि आप यहां पर आए, और दलाई लामा वहां पर रहने लग गए धर्मशाला के अंदर, और वहां से कहने लग गए कि मैं यहां से गवर्नमेंट चला रहा हूं तिब्बत की, और जिस दिन वापस हम तिब्बत में आएंगे तो वो गवर्नमेंट हम उधर चलाएंगे। समझ में आ रहा है सबको, इज दिस क्लियर? जल्दी तो नहीं हो रहा, मतलब कहानी है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, ये क्लियर है ना सबको? एनी डाउट यू कैन आस्क। अब चाइना ने बोला भाई ये तो हद पार कर दी, लिमिट क्रॉस कर दी, हमारे दुश्मन को शरण दे दी, और हमको, हमने थोड़ा सा रोड बना लिया, तो रोड बना लिया तो बड़ा भाई छोटा भाई वाला कॉन्सेप्ट ही चला गया इनका, और बोल रहे कि एक इंच नहीं लेने देंगे। अब रोड क्यों बनाई, पहले ये समझ लेते हैं। ये जो रोड बनाई ना, ये आप देखेंगे, ये जो रोड है ये कनेक्ट कर रही है जिनजियांग को, ठीक है, जिनजियांग शिनचियांग, ये देखो शिनचियांग जो बोलते हैं, जिनजियांग बोल दो, शिनचियांग बोल दो उसको, इसको कनेक्ट कर रही है किससे, तिब्बत से, जिससे कि भाई इसका जो है ना, उसका डेवलपमेंट हो जाए। ये रोड जो है ये तिब्बत को कनेक्ट कर रही है किससे, शिनचियांग प्रोविंस से, जो एक प्रेशर कुकर है चाइना के लिए, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट नहीं है, क्लोज्ड है, इंटरलैंड है, और तिब्बत के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो तिब्बत से क्रॉस कर रही है, किसको कर रही है, कनेक्ट इसको कर रही है, और इसके कारण इनका क्या हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो जाएगा वाला एरिया। तो चाइना ने इंडिया को समझाया भी, देखो भाई हमारी प्रॉब्लम है, और यहाँ पर ऐसा अनइनहेबिटेड लैंड है, यहाँ पर तुम करोगे नहीं, और ये तो हमारा ही एरिया है, फिर वो इस तरह से बोलने लगे। और धीरे 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 ये लड़ाइयां जो होगी ना, ये बढ़ती जाएंगी। समझ में आ रहा है, इज दिस क्लियर? और यहां पर जो होगा वर्ल्ड मीडिया का कह लो, या फिर जो अपोजिशन है, वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाएगा, है ना, जितना होना नहीं था उतना ज्यादा हो जाएगा, और ये जो हाईवे हो जाएगा, ये बन जाएगा एक तरह से ट्रिगर पॉइंट। अब ऐसा ऐसा चलता रहे। अब जवाहरलाल नेहरू जो होंगे ना, वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में, जवाहरलाल नेहरू कहेंगे कि चाइना जो है ना, हम भी अटैक कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता अटैक, वार तो छोड़ो, तुम अटैक ही नहीं कर सकता। बोले कहे, अरे भाई जेब में से निकाल के दिखाता हूं, ये देखो, फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीस, पंचशील एग्रीमेंट। लोग बोले, अरे भाई पंचशील एग्रीमेंट गया, वो बोल रहा है रोज की रोज, बोलता है कि अटैक कर देगा, नहीं कर ही नहीं सकता पंचशील एग्रीमेंट। अच्छा यार अभी थोड़ा सा लेट हो रहा हूं मैं, तो मैं लंदन जाकर आता हूं, चले गए लंदन। समझ आ रहा, 8 सितंबर को, 8 सितंबर 1962 थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा तल्ख हुआ किसके बीच में, बॉर्डर के ऊपर चाइना के फोर्सेस ने अटैक करा, ठीक है, और वहां से जो इंडियन ट्रूप्स थे उनको हटा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने सोचा यार छोटा सा इंसिडेंट है, माइनर इंसिडेंट है, चलो भाई लंदन चले गए, लंदन निकल गए, फिर वापस आए और भारत के अंदर, फिर वापस 12 अक्टूबर को, देखो 8 सितंबर को लड़ाई स्टार्ट हो गई ऑलमोस्ट, और 12 सितंबर को, मतलब 8 सितंबर को लड़ाई स्टार्ट हो गई, और आगे चलकर वो क्या कहेंगे, बीच के अंदर वापस से जाके घूम के जाएंगे कनाडा, है ना, 12 सितंबर कनाडा घूम के जाएंगे। इनको लग रहा है कि यार कुछ नहीं हो रहा है ना, माइनर से एकदम से चाइना जो होगा मैसिव अटैक कर देगा। मैसिव अटैक कैसे करेगा, दोनों साइड, एक तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो है उसके अंदर, फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर, जो कि अपना अरुणाचल प्रदेश यहां पर कर देगा, और इधर कर देगा, टू फ्रंट अटैक कर देगा, मैसिव अटैक, भयंकर वाला, इतना भयंकर कि भाई एकदम से पता ही नहीं चला, चाइना अटैक ऑन द बोथ फ्रंट,
लो भाई मैसिव अटैक, और इतना भयंकर अटैक था ये कि हमारा अरुणाचल प्रदेश वाले जो लोग थे, अरुणाचल प्रदेश को जो गार्ड कर रहे थे, वो सब भाग गए। इतना मैसिव अटैक भाई, यहाँ पे कोई तैयारी व्यारी करी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू से जब भी पूछे कि साहब कर ले क्या तैयारी, बोले अरे नहीं नहीं पंचील एग्रीमेंट फैक्स करके भेज देते हमको, कोई तैयारी व्यारी करी नहीं। वो लोग इतनी बुरी तरह से आर्टिलरी और ये सब लेकर आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? इधर से पूरा गलवान वैली, चुसुल वैली, ये सब कुछ क्या है, ये सब चीजें जा रही है हमारे हाथ से। और भैया हम तो है ना बिल्कुल ऐसे हो गए थे, इतना बुरा पैनिक अटैक हुआ था हमारे इसके ऊपर, फोर्स के ऊपर डीमोरलाइज मोरलाइज हो जाएगी पूरी फोर्स कि याद करेंगे हमारी तो तैयारी नहीं है। इन द वेस्टर्न सेक्टर, अगर वेस्टर्न सेक्टर के अंदर हम बात करें, देखिए होता है वेस्टर्न सेक्टर, ये वाला चीज ये वाला जो वेस्टर्न सेक्टर है, ठीक है, ये वाला जो चीज है, ठीक है, यहां पे घुसने लग गए, वो अंदर घुस गए और गलवान वैली यहां तक पहुंच गए, यहां पे आ गए डेपसांग गलवान वैली इधर तक आ गए। अक्साई चिन मतलब पूरा का पूरा इन्होंने ले लिया, अक्साई चिन पूरा का पूरा लेकर ये आगे की तरफ बढ़ गए, राइट। यहां पर देखेंगे, इधर देखिए 8 सितंबर को, अब मैं पढ़ रहा हूं इसको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई, मैं इसको पढ़ रहा हूं, है ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। On 8 September 1962, Chinese forces attacked the Thagla Ridge and dislodged Indian troops there. और इसको एक minor incident माना गया। नेहरू जी ने बोला कि भाई मेरे को तो लंदन घूमना है for a conference and after returning home once again left to the Colombo on 12 September वापस निकल गए। कुछ नहीं हुआ, श्रीलंका चले गए। एक वीक लेटर Chinese army launched a massive attack and overrun Indian post in the eastern sector in the NEFA, what is now known as Arunachal Pradesh. ईस्टर्न सेक्टर, नीचे की तरफ अटैक कर दिया। अच्छा, नीचे की तरफ अटैक करा तो हम सोचे अच्छा ठीक है यार, इधर ही कर रहा होगा सारी मिलिट्री यहाँ पे मोबिलाइज हो भाई, इधर भी कर दिया, अक्साई चीन के अंदर घुस गए, दोनों फ्रंट पर अटैक कर इन वेस्टर्न सेक्टर ऑन 20 अक्टूबर। देखिए समझ के देखिए, 20 अक्टूबर को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 20 अक्टूबर को 13 फॉरवर्ड पोस्ट पर कैप्चर्ड बाय द चाइनीज इन गलवान वैली, गलवान वैली तक पहुंच गए। सोचो अक्साई चिन पूरा क्रॉस करके गलवान एंड चुसुल एयर स्ट्रिप थ्रेटन्ड, देयर वाज अ ग्रेट आउटक्राय इन द कंट्री। और हमको लग रहा था कि अब पैनिक हो गया कि चाइनीज के इंटेंशन पता नहीं क्या है, क्या क्या ले लेंगे, है ना। इट वाज थॉट दैट चाइनीज वुड कम, चाइनीज अरुणाचल प्रदेश को भी क्रॉस करके आसाम की तरफ पहुंचने लग गए। हमने कहा भाई अब हमारा तो पूरा देश ही चला जाएगा ऐसे, तो नॉर्थ ईस्ट पूरा चल जाएगा और इधर अक्साई चिन जा रहा है। पर पता नहीं भगवान की दया और मेहर के कारण क्या हुआ, 10 नवंबर को चाइनीज डिक्लेयर ए यूनिलेटरल विड्रॉल कि यहां से तो हम निकल जाएंगे ईस्टर्न साइड से, पर वेस्टर्न साइड के अंदर से पूरा पूरा अक्साई चिन के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके पीछे क्या था, इंटरनेशनल प्रेशर वाज आल्सो देयर, इंटरनेशनल प्रेशर भी था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये कहानी थी किसकी, चाइना और इंडिया के वार की, इंडिया और चाइना के वार की ये वाली कहानी थी। एनी डाउट यू कैन आस्क। तो इस तरह से अपन ने कहा, और इस तरह से ये रिटेलिएशन जो हुआ उसके बाद हमको हमारा बहुत डिमोरलाइज हो गया जो हमारी आर्मी थी। पर उसके बाद 3 साल बाद 1965 के अंदर फिर हमने एक तहलका मचा दिया जब इंडिया पाकिस्तान का वार होता है, ठीक है, वो अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जब हम पाकिस्तान को डील करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 1962 का वार सबको समझ में आया, सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, ये चीजें हुई थी। और गलती किसी की भी हो, अपन को तो फैक्ट से मतलब है ना। चलो, एक तो ये गलतियों में अगर अगर आप देखें तो गलती, सबसे बड़ी गलती तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये है कि वो हमने आइडियलिस्टिक अप्रोच अपना के बैठ गए। पंचशील एग्रीमेंट मतलब पंचशील एग्रीमेंट उसको लेकर बैठ गए, हमने कोई मिलिट्री प्रिपरेशन नहीं करी। दूसरी बात कि हमने चाइना को सीरियसली नहीं लिया कभी भी, ठीक है, सीरियसली नहीं लिया। चौथी ये चीज है कि भाई अक्साई चीन के ऊपर वार्ता होनी चाहिए थी, बातें होनी चाहिए थी कि भाई कैसे क्या इस तरह का वो बना लिया, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए था, पर कोई बातचीत करने को तैयार ही नहीं हुआ, ठीक है। आपस में अपोजिशन इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि अपोजिशन ने उनको करने ही नहीं दी बात, है। और जवाहरलाल नेहरू भी थोड़े से अग्रेसिव रख रहे थे कि 1 इंच जमीन नहीं देंगे, फिर उन्होंने पूरा ही ले लिया अक्साई चीन, ठीक है। तो आज की डेट में क्या है, ये अक्साई चीन जो है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, अक्साई चीन जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ चाइना, ये चाइना का पार्ट है, ठीक है। और चाइना अब अंदर अंदर घुसने की कोशिश करता है गलवान वैली के अंदर, इंट्रूजन और ये सब चीजें आगे चलकर पड़ेगी, ठीक है, ये सब चीजें हैं इसके अंदर, राइट। अब यहां से भी अंदर घुसने की कोशिश चाइना करता रहता है, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको पता है किस तरह से अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो ये इशू खत्म हुआ 1962 वॉर का, एक और इशू चलता रहता है, यस विशाखा भट्ट, यस
सर आप कह रहे हो कि जो साइड से ने दैट इज अ पार्ट ऑफ चाइना, तो इंडिया के पॉलिटिकल मैप में फिर हम शो तो करते हैं साइड से, अक्साइचिन सो स्टैंड क्या होगा, अक्साइचिन किस का क्या स्टेटस होगा? का स्टेटस ये है, अक्साइचिन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, है ना? आपको जो लिखना है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बट एडमिनिस्टर्ड बाय द चाइना और नेक्स्ट बाय द चाइना, ठीक है, और ऑक्यूपाइड बाय द चाइना। हमारा जो कश्मीर है ना, ये देखो कश्मीर है ना, इसका ये वाला जो हिस्सा है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द चाइना, ये वाला हिस्सा, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। हम हमेशा, अभी होम मिनिस्टर ने भी बोला था हमारे अमित शाह जी ने कि ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, अक्साइचिन हमारा इंटीग्रल पार्ट है, और एक ना एक दिन हम जब हम पूरे कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट है और इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है कौन, अक्साइचिन, एडमिनिस्टर्ड बाय, अब भी कब्जा कर लिया, ऐसे पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, वैसे ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर मान लो, अक्साइचिन विश्व। ओके सर, ठीक है, चलिए। एनी मोर डाउट्स सर? एक और चीज है सर, एक चीज और है सर, हमारे दिमाग में आता रहता है ये हांगकांग का क्या सिस्टम है सर, ये कभी समझ में नहीं आया सर, ये हांगकांग मतलब क्या चाइना का पार्ट है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये सर ये बताओ। और हांगकांग को हीरो बनता है, मतलब उसका क्या एटीट्यूड है सर, वो चाइना से क्यों लड़, चाइना का इंटीग्रल पार्ट है क्या पहले तो ये बताओ, इंटीग्रल पार्ट है तो फिर इसको क्या दिक्कत होती है, चाइना कम्युनिस्ट है ये कैपिटलिस्ट कैसे हो गया, और इसको जब दिक्कत होती है तो ब्रिटेन के पेट में क्या दर्द होता है, ये और चीज समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है। हांगकांग का क्या इशू है सर, हांगकांग के अंदर क्यों प्रोटेस्ट होते रहते हैं चाइना के खिलाफ, और हांगकांग क्या अलग कंट्री है क्या है भाई, हमको बताओ। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज हांगकांग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हांगकांग आप देख लेना मैप के अंदर, चाइना के इधर की तरफ है ना, ये जो इधर वाला एरिया है वो हांगकांग है, मैंने मैप डाला नहीं इसके अंदर, भूल गया मैं, ठीक है। अब हांगकांग की क्या कहानी है, 1898 तक हांगकांग वॉज द कॉलोनी, जैसे हम कॉलोनी थे ना ब्रिटिश की, तो वैसे ही ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था हांगकांग, ब्रिटेन की कॉलोनी। अब 1898 के अंदर ब्रिटेन यहां से जा रहा था, पर ब्रिटेन ने कहा कि यार ये लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एरिया है, तो इन्होंने क्या करा, चाइना को ये दे रहे थे 1898 के अंदर, चाइना को दे दिया ये पूरा का पूरा कि भाई तुम रखो, ये तुम्हारा इंटीग्रल पार्ट है, पर इन्होंने कहा कि यार हमको है ना थोड़ी दिन के लिए और दे दो, 99 ईयर की लीज पे हमको दे दो, लीज पे लेता है, जैसे हम्बन टोटा पोर्ट ले रखा है किसने, चाइना ने लीज पे ले रखा है 99 ईयर की लीज पे, वैसे इन्होंने कहा 99 ईयर की लीज पे हमको दे दो, चाइना से इस तरह का एग्रीमेंट दे दिया, हम तुमको पैसा दे देंगे कुछ। तो 1898 से अगर हम देखें 1997 तक ये ब्रिटेन के पास ही रहा, मतलब 1898 से पहले भी ब्रिटेन के पास था, 1997 तक भी ब्रिटेन के पास रहा। अब ब्रिटेन इसको छोड़ रहा था हांगकांग को, तो हांगकांग वालों ने बोला भाई ब्रिटेन आप लोगों ने तो हमको इतना सब कुछ सिखाया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है हम, अभी चाइना के हवाले छोड़ दो तो मरमरा जाएंगे, चाइना तो हमको बिल्कुल दबा लेगा, कुछ करो। यहाँ के लोगों ने बोला, हांगकांगियंस ने बोला, ब्रिटिशर्स को भी लगा यार ऐसे इनको छोड़ देंगे, ये भी हमारे मतलब बहुत अच्छा रिलेशन, ठीक है, तो ऐसे हम इसको छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, चाइना को फोन लगाया, चाइना ने बोला यार ऐसी बात है फोन पे नहीं होती, आते हो बैठ जाते हैं, तो बैठ गए साथ, ठीक है, यहाँ चाइना बैठा है और यहाँ पे बैठे ब्रिटेन वाले, ठीक है, और यहाँ बैठा है नीचे हांगकांग, है ना, ये हांगकांग। अब ब्रिटेन बोल रहा है देख भाई ये जो बच्चा है ना हमारा हांगकांग, इसको मैं तुमको दे रहा हूँ 1997, क्योंकि 99 ईयर की लीज खत्म हो गई है, पर ये हमारा बच्चा है, ये बड़ा बड़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ही हुआ है, और तुम हो एकदम व्हाट, तुम हो एकदम कम्युनिस्ट इकोनॉमी, इनके अंदर बहुत सारी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते रहते हैं, डेमोक्रेसी की बातें, इनके अलग ही एटीट्यूड है, कम से कम तुम इनको क्या करो 50 साल के लिए, है ना, 50 साल के लिए इनको ऑटोनॉमी दे दो, ऑटोनॉमी तुम्हारा इंटीग्रल पार्ट है 50 साल के लिए, मतलब 2047 तक तुम इनको ऑटोनॉमी दे दो, समझ में आ रहा है कि हम तुमको दे रहे हैं चाइना का इंटीग्रल पार्ट बना रहे हैं इसको, ठीक है, तुम रख लेना इसको, रखे क्या तुम्हारा ही है भाई, पर इसको हांगकांग को ऑटोनॉमी दे दो, जैसे कश्मीर के अंदर हमने 370 आर्टिकल के अंतर्गत ऑटोनॉमी दे रखी थी, है ना। तो यहां पे ऐसे बोला कि भाई हाँ, इसको 1997 के अंदर इन्होंने ऐसे बोला कि 1997 के अंदर इसको एक हांगकांग को एक ऑटोनॉमी दे दो, ब्रिटेन बड़ी पावर 1997 के अंदर, चाइना इतना कोई बड़ी पावर नहीं, प्लस चाइना जो चाइना को लग रहा था कि ब्रिटेन इसको देगा कि नहीं देगा, तो ब्रिटेन हांगकांग को दे रहा था चाइना को, पर इसको बोला गया कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन इसको बनाओ,
मतलब क्या है, मतलब एक ये करेंगे कि कंट्री तो एक ही है भाई, चाइना और हांगकांग दोनों एक ही है, चाइना और हांगकांग दोनों एक ही कंट्री है, मतलब चाइना ही है, हांगकांग तो कंट्री नहीं है, हांगकांग का चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, पर इसके अंदर दो सिस्टम होंगे, हांगकांग को कुछ ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी और इस चीज को बोला गया स्पेशल एडमिनिस्ट्रेट रीजन, हांगकांग विल बी ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेट रीजन, और इस कॉन्सेप्ट को बोला गया कंट्री तो एक है हांगकांग और चाइना, मतलब हांगकांग चाइना का पार्ट है, वन कंट्री टू सिस्टम। सर क्या, वन कंट्री टू सिस्टम, जिसमें हांगकांग को ऑटोनॉमी दे रखी है। हांगकांग को कैसे ऑटोनॉमी दे रखी, अब एक एक करके समझो कि हांगकांग वाले जो होंगे ना, उनका खुद का लीगल सिस्टम है, खुद का क्या है, खुद का लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम, लॉ खुद बनाते हैं, चाइना नहीं बनाता इसके अंदर, हांगकांग वाले खुद बनाते हैं, ठीक है, खुद की करेंसी है हांगकांग डॉलर, करेंसी भी खुद की, खुद का सिस्टम है, कम्युनिस्ट सिस्टम नहीं है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, समझ आ रहा है, खुद के राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, खुद की फ्रीडम्स, सब कुछ खुद का, कब तक, 50 साल तक, 2047 तक, सब कुछ खुद का, कि हांगकांग बिल्कुल एक तरह से आजादी है, नेक्स्ट टू आजाद, समझ आ रहा है। तो यहां पर देखो क्या करा, हांगकांग वाज हैंडेड बैक टू द चाइना इन 1997 एज स्पेशल एडमिनिस्ट्रेट रीजन, एसएआर का मतलब स्पेशल एडमिनिस्ट्रेट रीजन, कि तुम चाइना का तो होगा, और इसको बोला गया वन कंट्री टू सिस्टम अरेंजमेंट, इट हैज सम ऑटोनॉमी एंड इट्स पीपल्स हैव मोर राइट्स देन द चाइनीज पीपल हैव, और यहां पर क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होगा, बेसिक लॉ जो हांगकांग का है वो कहता है हांगकांग के अंदर जो होगा 2047 तक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम रहेगा, खुद की करेंसी होगी, खुद का लीगल सिस्टम होगा, खुद का लेजिस्लेटिव सिस्टम होगा, खुद की ह्यूमन राइट्स फ्रीडम्स होंगे एज ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेट रीजन ऑफ द चाइना फॉर 50 ईयर्स। पर 50 साल बाद 2047 के अंदर ये सब खत्म। अब यहां पर हांगकांग वाले है ना, वो घबराते हैं कि भाई चाइना 2047 में तो कितना बड़ा पावर हो जाएगा ना, समझ आ रहा, और 2047 के अंदर जब ये चीजें खत्म हो जाएगी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेट, तो चाइना को मिंट नहीं लगेगा हमको दबोचने के अंदर, और इसलिए यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल चलते रहते हैं कि हमें चाइना से आजादी चाहिए, हम एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, हमें आजादी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, सेट टू एक्सपायर इन 2047 द करंट अरेंजमेंट हैज परमिटेड हांगकांग फंक्शन एज इट्स ओन एंटिटी अंडर द नेम हांगकांग चाइना इन मैनी इंटरनेशनल सेटिंग्स ऑल्सो, ठीक है, जैसे WHO के अंदर इसको हांगकांग चाइना बोलते हैं, ओलंपिक गेम्स के अंदर हांगकांग चाइना इस तरह से इसके अंदर बोला जाता है। तो ये हांगकांग वाला जो है ना, ये हांगकांग वाला इशू है, इज दिस क्लियर। अब हांगकांग का इशू भी करंट अफेयर्स में रहता है, करंट अफेयर्स जो अपन पढ़ेंगे वो कल के लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स सारा का सारा ये सब चीजें वापस से रिपीट होगा, और एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग कल के लेक्चर के अंदर आपके इसके अंदर बनेगी, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सारे बॉर्डर डिस्प्यूट से लेकर ये हांगकांग से लेकर मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स, बम एंड डिजिट चोरी, जिंगजियांग प्रिंसिपल्स, सब कुछ आने वाला है वापस, कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी बच्चे तैयार रहे कल के लेक्चर के लिए, सारा का सारा करंट अफेयर्स के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, एनीबडी हैज एनी डाउट। चलिए तो आई एम, यस वैशाली प्लीज, के लिए पूछना था सर, आरएएस के लिए सर, लोकल राजस्थान इश्यूज कैसे कवर करने हैं सर, कुछ गाइडेंस आरएएस के लिए। ओके, मैं बताता हूँ आपको, फोन करके बता दूंगा आरएएस का, है ना। ओके सर, कोई क्लास से रिलेटेड डाउट है सर? यस सर, कश्मीर द रोड इशू, लाइक रिपीट इट वंस अगेन सर। कौन सा वाला? कश्मीर रोड इशू, चाइना रोड इशू, कश्मीर वाला? हां सर, कश्मीर के अंदर जो अक्साई चेन वाला पॉइंट है ये, हां सर सर,
ये कश्मीर है ना, देखो बच्चों ये समझो, कश्मीर जो है ना वो पूरा हमारा है, ठीक है, अगर हम देखें। और इसको और अच्छा मैं तुमको दिखा देता हूँ मैं आपको, इससे कि आपको थोड़ा सा कश्मीर के बारे में समझ आया, अगर मैंने रखा हुआ तो इसको मैप। ये सब बच्चों को दिख रहा है ये मैप, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कश्मीर हमारा, हम जब भारत का मैप बनाते हैं ना तो इस तरह से हम ये मैप बनाते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा, बट अभी के टाइम पर एक गड़बड़ चल रही है। क्या गड़बड़ चल रही है कि हमारे पास जो हमारा कश्मीर है ना वो इतना ही है, जम्मू एंड कश्मीर ये वाला, बाकी आधा कश्मीर पाकिस्तान कंट्रोल, गिलगित बाल्टिस्तान, इस तरह का गिलगित बाल्टिस्तान बोला जाता है, इसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोला जाता है। और ये कश्मीर जो है ना ये पीला और हरा, ये पाकिस्तान ने ले रखा है हमसे। आर्थिक इज दिस क्लियर? यस सर। और ये अक्साई चीन वाला जो है ना ये चाइना ने ले रखा है साहब, ये चाइना ने ले रखा। तो अभी हमारे पास सिर्फ ये रेड वाला जो है ना ये हमारा है। अच्छा, इसके अंदर एक सक्षम वैली है, ये सक्षम वैली है, ये भी हमारी थी, पर इसको चाइना को गिफ्ट कर दिया किसने? पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान के कंट्रोल में थी, चाइना को गिफ्ट कर दिया सक्षम वैली हमसे तो बिन पूछे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैली थी, जो इसके अंदर मतलब सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक स्ट्रेटेजिक हाइट्स थी यहाँ पर, तो चाइना को दे दी। तो अभी ये समझो गिलगित बाल्टिस्तान, ये वाला जो पीला वाला एरिया है, हरा वाला एरिया है, और ये जो लाइट वाइट एरिया है, ये एरिया हमारे पास नहीं पर ये हमारा, ठीक है। जो हम ऐसे कहते हैं ना कि भाई हम अखंड भारत बनाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर ये कश्मीर, ये वाला पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और भी अखंड भारत में तो पूरा पाकिस्तान ही आ जाता है, पर ये जो है हमारा कश्मीर का मतलब क्या है कि ये सब चीजें। जब जब इन्होंने कहा था, होम मिनिस्टर ने, अमित शाह ने जब बोला था कि जब मैं कश्मीर बोल रहा हूँ तो कश्मीर का मतलब क्या है, जब मैं कश्मीर बोल रहा हूँ कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो कश्मीर का मतलब क्या है? आपने सुना होगा 370 आर्टिकल के टाइम पर अक्साई चीन भी हमारा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर, पीओके और अक्साई चीन। पीओके मतलब ये पूरा का पूरा पीओके मानता है, राइट, ये पीला प्लस वाला, ठीक है कार्तिक? यस सर, ठीक है। और ये चीज है, और फिर ये कैसे बना, क्या क्यों, ये कश्मीर हमारा था पर ये किसी और ने ले लिया, ये सब की कहानी जो है ना, दैट इज रिलेटेड टू द व्हाट, प्रिंसली स्टेट कश्मीर, जो प्रिंसली स्टेट था, और हरि सिंह नालवा, ठीक है, और पाकिस्तान जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल के अंदर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हरि सिंह नालवा जो प्रिंसली स्टेट के रूलर थे, उनकी कुछ गलतियां थी, हमारी कुछ गलतियां थी, इसके कारण ये जो एरिया था ये किसके पास चला गया, ये पाकिस्तान के पास चला गया, ये तो हमने बता दिया 1962 वार के बाद ये चाइना के पास चला, ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ये गिफ्ट की चाइना जो दी है प्रॉपर्टी पाकिस्तान ने चाइना को, सर ये तो वर्ड एब निशी हो गई ना, हो गई सर, ये डिस्प्यूट, सर ये वर्ड एब निशी हो गया ना, क्योंकि सर ये तो, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये तो इंडिया का है पर गिफ्ट कर दिया चाइना ने। इसी तरह से चाइना ने कॉरिडोर बनाया, जो मैंने कहा था ना सीपैक कॉरिडोर, ऐसे बनाया चाइना पाकिस्तानी कौन है कॉरिडोर, जिनजियांग प्रोविंस कोर्ट, ये भी गलत है, समझ में आ रहा है? इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो ये भी गलत है कि भाई हमारे एरिया के अंदर से कॉरिडोर बना लिया, उसका नाम भी लिख दिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसीलिए तो इंडिया ने BRI जो प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा इंडिया, बोटा ये क्या बदतमीजी। इस तरह से होता रहता है ना कि भाई ये क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है इसके अंदर, तो इसको गिफ्ट कर दिया किसको, चाइना को, और चाइना ने ले लिया। अब ये वाला जो एरिया है वो चाइना के पास चला गया, अब इसके लिए लड़ो, ठीक है, पाकिस्तान से तो ठीक है लड़ लेते, अब चाइना से इसके लिए लड़ेंगे, जब चाइना से लड़ना पड़े, अक्साई चीन ले ही रखा है चाइना, इस तरह से ICJ को फैक्टर नहीं करते हैं। ICJ की सुनता हूँ कौन है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ICJ, तो अभी तो ये वर्ल्ड इशू के अंदर तो यही चल रहा है ना, अभी ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कहलाती है वर्ल्ड इशू के अंदर, ये पूरा कश्मीर जो है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, किसका है, क्या है, किसका नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कहानी भी तो है, कहानी भी तो है कि कैसे ये बना, वो आपको बनाएंगे जब पाकिस्तान बढ़ाएंगे तो वैशाली, कैसे ये इनके पास रह गया, आधा हमारे पास रह गया, ये कहानी तो हमने पढ़ ली अक्साई चीन वाली, पर ये तो है ना, तो वो सब चीजें पढ़ेंगे तब तुमको थोड़ा ज्यादा अच्छे से मिलेगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर।